प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जोरों पर है। एक तरफ विधायक खरीद फरोख्त को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा हॉर्स ट्रेंडिंग और बाड़ेबंदी जैसे शब्द कांग्रेस की ही देन है। उन्होंने कहा बीजेपी विधायक पूरी तरह से एकजुट है। राज्यसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी के बाद अब भाजपा विधायकों को भी होटल में शिफ्ट किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या डरता सेंधमारी का कि आप लगातार कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस बाड़ेबंदी कर रही है, अब आप क्यों अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर रहे हैं? हमारे पास खर्चा 2 दिन का, ये उनके पास 15 दिन का था, इसलिए वो 15 दिन रख रहे हैं। सामान्य सी बात है भाई, इसमें कोई राजस्थान में ये एक्सेप्शनल नहीं हुआ है। जब भी चुनाव होते हैं सभी पार्टियां अपने आप अपने अपने लोगों को रखती हैं। फर्क ये समझना पड़ेगा कि इससे पहले तक जो सत्ताधारी दल है, विपक्ष को डर लगता था कि सत्ता के लोग उनको नहीं ले जाएं। अब तो पहली बार ये कि 10 दिन से वो पड़े हैं, उनको डर लग रहा है कि उनके लोग नहीं भाग जाएं। जुगाड़ तो उनका है, वो खुद 99 जीते थे, जुगाड़ करके 2-3-4 करके फिर BSP को मर्ज कर लिया, इंडिपेंडेंट्स को डोरे डाल दिए, BTP को ले आए, तो खतरा तो उनको है। खुला छोड़ देना, यदि इतनी हिम्मत है तो पता लग जाएगा कितने दम है, कितना पानी है। हमारे यहाँ तो पहले से तय था, हमने जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई हमने कोई बिना विचलित हुए, नहीं तो हम भी 8 दिन पहले बुला सकते थे, हमें कोई डॉक्टर ने मना किया था क्या? लेकिन यह तय था कि 16 तारीख को 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल के बाद 2 दिन के लिए हम लोग साथ रहेंगे। और साथ रहने में भी हमारे पास अपना एजेंडा है, हम MLAs को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि इन 2 दिनों में संगठनात्मक चर्चा भी हो जाएगी, विधायी कामों की चर्चा भी हो जाएगी, कोविड की चर्चा भी हो जाएगी और मतदान का हमारा प्रशिक्षण हो जाएगा। इस वक्त लगातार यही चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कुछ विधायक उनसे नाराज चल रहे हैं सरकार से, इसलिए वो बाड़ेबंदी में नहीं पहुंच रहे हैं। आज आपकी विधायक दल की बैठक थी, करीब 58 विधायक आए, RLP के 2 विधायक नहीं आए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी नहीं आए और काफी सारे विधायक नहीं आए, क्या कारण था? नहीं, वो नाराजगी कोई कारण नहीं है। सिद्धी कुमारी जी नहीं आई तो आप भी कह दो कि वो नाराज हो कि नहीं, उनकी माताजी एक्सपायर होगी, वसुंधरा जी का अपना इशू था, RLP के 3 विधायक अभी होटल में पहुंच जाएंगे, बाकी हमारे जो विधायक थे लगभग आ गए, उसमें 66 लोग थे, 58 का आंकड़ा गलत है आपका, अभी यहाँ 66 से भी ज्यादा लोग थे, तो हमारे विधायक सारे एकजुट हैं, एक साथ हैं। अब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, लगातार लोगों की टिकी हुई है कि आखिर क्या रणनीति ऐसी बीजेपी की है कि दूसरा प्रत्याशी उतारा बिना पर्याप्त संख्या बल के, क्या रणनीति है लोग जानना चाह रहे हैं। आपने पूछा नहीं कमल मुरारका को क्यों उतारा, आप लोग नहीं पूछते उनसे कि जब भैरव सिंह जी की सरकार थी 93 से 98 में तो यहाँ हेलीकॉप्टर से भजनलाल अटैची लेके आया था, भजनलाल का नाम ही खरीद फरोख्त वाला बन गया था। ये हॉर्स ट्रेडिंग बाड़ाबंदी कांग्रेस के शब्द हैं, वो इस्तेमाल करती है, वही उपयोग करती है, हमें कोई खतरा नहीं है। और उम्मीदवार यदि दूसरा उतारा है वो एथिक के खिलाफ नहीं है, हमारी सामान्य सीधी सीधी सी गणित थी, हमें इस सरकार को परेशान करना था, हैरान करना था, बांध के रखना था और इस चौथे उम्मीदवार के कारण उनकी नींद आराम होगी और वो नंगे हो गए जनता के सामने, 300 लोग मर गए और आज वहां संगीत का आनंद ले रहे हैं, राजस्थान की जनता देख रही है। हमें यही करना था कि इनके औकात क्या है, किस तरीके की राजनीति ये लोग करते हैं, और जब कुछ नहीं बचा इनके पास तो खरीद फरोख्त के आरोप लगा दिए, कोई एविडेंस नहीं। बहुत ज्यादा करेंगे तो हम जानते हैं विद्वेष की राजनीति करते हैं, किसी बेचारे परचून वाले पे गाज गिरेगी, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, कोई एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है, किसी तरीके की बात नहीं है। उन्होंने खरीदा है तो पता है, 2008 में भी खरीदे और 18 में भी खरीदी, तो जनता को पता है। आपके सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, 2 दिन तक विधायकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा और क्या क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? मैंने बताया ना, कार्यक्रम कुछ नहीं है, सुबह उठेंगे तो प्राणायाम करेंगे जिसमें अधिकांश लोग करते हैं और वो पेट के बल लेटे हुए हैं लेकिन हम लोग खड़े होके करेंगे। दूसरा, हमारे पास कोविड को लेके और संगठनात्मक कामों को लेके काफी सारा काम है, आत्मनिर्भर भारत का पूरा 1 महीने का हमारा अभियान चल रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। संगठनात्मक बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे विधायी काम है जिनकी जानकारी, हमारे लगभग 26 के करीब नए विधायक हैं, उनको उन काम की जानकारी, मतदान भी अपने आप में एक प्रक्रिया जिसको समझने की जरूरत होती है, कई बार बिना किसी वजह से भी मत खारिज होते हैं, तो कम से कम ये सावधानी रखें सब लोग, तो इसकी ट्रेनिंग हम लोग वहां देंगे। तो ये है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव में पूरी तरह से एकजुट है और जो 2 दिन तक जो प्रशिक्षण दिया जाएगा इस दौरान नए जो विधायक हैं उनको चुनाव मतदान का प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही संगठनात्मक कार्यों को लेकर भी समय का सदुपयोग किया जाएगा। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह नरुका, IVN TV।